हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसपी डीमो। जो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, तो उसी के अंदर जो टॉपिक है आज का हमारा वो है लीफ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पत्तियां क्या होती है, पत्तियों के बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले हमने रूट और स्टेम पढ़ लिया है, सो देखते हैं पत्तियां क्या होती है और क्या काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लीफ इज अ लेटरल जनरली प्लेटलेट, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बोर्न ऑन द स्टेम, यानी प्लेटलेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे आपने जो पत्तियां देखी होगी बहुत सारे प्लांट्स की, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और स्टेम से निकलती है। एंड द लीव्स डेवलप्स फ्रॉम द नोड्स, ठीक है, इंटर नोड्स और नोड्स पढ़ा था हमने। तो जो नोड्स जो होते हैं स्टेम पे, वहीं से लीफ जो होती है पत्तियां निकलती है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, दिस मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड फूड मेकिंग, राइट। सिंपल सा है कि पत्तियों का काम यह होता है कि जो हरी होती है तो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करती है और भोजन बनाती है, जिससे क्या होता है कि पौधा जो होता है वो ग्रो करता है, ठीक है। एक्सिलरी बड्स आर फाउंड इन इन इट्स एक्सिल, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करती है, वो देख लिया अपन ने, ठीक है। बट ऑल द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज नोन एज फाइलोम, फाइलोम बोलते हैं, ठीक है। लीव्स जो होती है पूरे प्लांट की पत्तियां जो होती है उनको फाइलोम बोलते हैं अपन। एंड एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच, ठीक है, उससे ब्रांच, एक्सिलरी बड से क्या होती है ब्रांच भी निकलती है, लीव्स निकलती है, ब्रांच लीव्स एंड ओरिजिनेट फ्रॉम अ शूट, ठीक है। शूट सिस्टम मैंने बताया था आपको कि एक तो रूट वाला सिस्टम होता है, एक शूट वाला सिस्टम होता है। शूट वाला जो सिस्टम होता है उसमें लीव्स भी आती है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर्स, ठीक है। एक्रोपेटल ऑर्डर मतलब होता है कि अग्रभिसारी क्रम, यानी कि ऊपर ही ऊपर चलना, ठीक है, ऊपर चलती है। कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया गया है, तो लीफ लीफ बेस होता है सबसे पहले, लीफ बेस जिसको अपन बोलते हैं हाइपोपोडियम, ठीक है। मतलब लीफ बेस वो है जहाँ से वो स्टेम पर लगी होती है, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ से वो स्टेम पर लगी होती है, ठीक है, तो लीफ बेस बोलते हैं। एंड अगर देखें तो द पार्ट ऑफ लीफ अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांच इज नोन एज, उसको अपन बोलते हैं लीफ, ठीक है, जहाँ से वो लगी होती है को अपन बोलते हैं हाइपोपोडियम। एंड इट मे अज्यूम, ठीक है, डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप का शेप होता है इसका। एंड इन सम लेग्यूमिनेसी प्लांट जो होते हैं, ठीक है, द लीफ, ठीक है, ब्लेंड में बिकम सोलन, यानी कि खाली होती है, ठीक है, खोखला होता है, हिज कोल्ड, उसको अपन बोलते हैं पल्विनस, पल्विनस, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीन डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, स्टीपल्स, इस टाइप का अगर देखता है तो उसको स्टीपल्स बोलते हैं। इसमें शीत शीत लाइक होता है, ठीक है, जो मक्का वगैरह का होता है उसमें शीत लाइक होता है लीफ, लीव जो होती है वो। एंड एक और दिया इसमें कि जो पल्विनस जो होता है, ये देख सकते हैं आप पल्विनस, तो इस टाइप की जो पत्तियां लगी होती है स्टेम पे, ठीक है, उसको अपन पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन की इसी में है कुछ की इन मोनोकोट्स, मोनोकोट्स यानी कि एक बीज पत्ती जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, द लीव्स बेस एक्सपांड्स इनटू अ शीथ, ठीक है, कवरिंग द स्टेम पार्शियली और कंप्लीटली, यानी कि उस स्टेम को पूरी तरह से कवर कर लेती है, ठीक है, या तो पार्शियली आंशिक रूप से या पूरी तरह से कवर कर लेती है, ठीक है। तो शीथ बोलते उसको अपन, जैसे कि अपने अभी देखा है तो मेज का जो होता है पौधा, मक्खी का पौधा जो होता है उसमें देखा गया है ऐसा होता है। एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, ठीक है, पौधेज आर पेयर ऑफ अ लेटरल आउटग्रोथ, ठीक है, साइड से जो आउटग्रोथ होती है। एंड एट द ऑन आइदर साइड्स ऑफ एक्सिलरी बड दिस आउटग्रोथ आर कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक है। एंड सच लीव्स आर कॉल्ड स्टिप्यूलेट लीव्स, ठीक है, अभी अपन ने डायग्राम में देखा है, जैसे कि आप फिर देख सकते हो इसको स्टिप्यूल्स बोलते हैं, इस टाइप की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, आउटग्रोथ लेटरल साइड में जो ग्रोथ हो रही है, देख सकते हैं दोनों साइड में, इसको अपन बोलते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक है। द लीव्स विदाउट स्टिपल्स आर कॉल्ड एक्सटिपल्स लीव्स, स्टिपल्स आर यूजली ग्रीन, द मेन फंक्शन ऑफ स्टिपल आर टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो इसका मेन वर्क है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कि पेटियोल्स और मेसोपोडियम, मेसोपोडियम और पेटियोल्स, तो पेटियोल्स इज द पार्ट ऑफ लीव्स कनेक्टिंग द लेमिना विद द ब्रांच और स्टेम, ठीक है। तो पेटियोल का वर्क होता है कि जो लेमिना पत्ती का फलक है और जो स्टेम है उसको दोनों को जोड़े रखना, कनेक्ट
कनेक्ट करना, पर्णवृंत जिसको हिंदी में बोलते अपन। एंड लीव्स दैट पोजेस द पेटियोल्स आर कॉल्ड पेटियोलेट, एंड लीव्स विदाउट पेटियोल्स आर कॉल्ड नॉन पेटियोलेट और सेसाइल लीव बोलते उसको। नेक्स्ट है कि पेटियोल्स इज यूजली सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होते हैं और बट मे बी होलो, यानी कि होलो भी होते हैं, पपाया में होलो टाइप का पर्णवृंत होता है, पेटियोल होता है ट्यूबुलर और फ्लैटलैंड होल भी होता है। फंक्शन ऑफ पेटियोल्स इज टू रेज द लेमिना टू एक्सपोज इट टू लाइट एंड एयर एंड एयर टू हेल्प इन कंडक्शन, ठीक है, जिससे लाइट और एयर ज्यादा मिल सके उसको। इसका पेटियोल का वर्क है कि उसको पत्ती को हवा में एयर पास करने की मूव हो सके वो पेटियोल। जो थर्ड है अपना की लेमिना, लेमिना और एपिपोडियम, पत्ती का जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको लेमिना या फिर एपिपोडियम बोलते हैं, फिर फलक बोल सकते हैं उसको अपन। दिस इज द लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन एंड फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ, सबसे बड़ा पार्ट ये होता है लीफ का, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बनाने का काम करता है। इट प्लेस अ वाइटल रोल इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है कि गैसियस, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज यानी कि जो CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो यही करता है, और ट्रांस जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पौधों से जो पानी निकलता है वो भी यही करता है। एंड द लीफ इज नोन एज अ डोर्सी वेंट्रल, वेन इट्स वेंट्रल सरफेस इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम डोर्सल सरफेस। एग्जाम्पल है कि डाइकोटिलेडंस जो होते हैं, डाइकोटिलेडंस लीव्स जो होती है, डाइकोटिलेडंस में क्या होता है कि एक वेन्स एक जाल जैसी पत्ती बनी होती है, इस डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये एक डाइकोटिलेडन प्लांट्स की लीफ है। और मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं, एक बीजपत्री में ऐसा होता है कि जो मक्का वगैरह का प्लांट है उसमें ऐसे नहीं होता है, उसमें सीधी सीधी लाइनें होती है बस। तो ये डिफरेंस है इसमें दोनों में। सो अदर लीव्स आर हैविंग बोथ सिमिलर सरफेस, इज कॉल्ड, इसको अपन बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, ठीक है। जैसे कि सच लीव्स आर फाउंड इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स, ठीक है, एक बीजपत्री क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, मक्का का पौधा देखा आपने, ठीक है, नारियल का देखा आपने, तो उनमें क्या होता है एक बीजपत्री जैसे होते हैं वो, मतलब कि उनमें दोनों लीफ जो है ना बाइलेट मतलब एक जैसे होती है दोनों साइड, ठीक है। अब बात करते हैं लीफ वेनेशन क्या होता है, ठीक है। सो नाउ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है, इन द लेमिना इज नोन, उसको अपन बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। वेनेशन होता है कि जो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, ठीक है, डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें ऐसा होता है कि जो एक जाल जैसा बना होता है उसमें, ठीक है, एक ट्रेप जैसा बना होता है, जैसे कि लाइनें ऐसे ऐसी इधर उधर होती है, ठीक है, डायग्राम में देखा था अपन ने, आपने भी देखा होगा। सो उसको अपन बोलते हैं वेनेशंस, ठीक है। एंड द वेन्स आर इन फैक्ट कंडक्टिंग स्टैंड्स ऑफ लेमिना, ठीक है, लेमिना के ऊपर होते हैं वो स्टैंड्स के रूप में, ठीक है। एंड दे आर कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल सेल्स एंड फूड एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द लेमिना, ठीक है, एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाते हैं लेमिना का, ठीक है, उसको एक आकार जैसे कह सकते हैं पत्ती का एक, मतलब उसको मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है, और उन्हीं की वजह से होता है कि वाटर वगैरह का मिनरल्स का सप्लाई होता है, ठीक है, और जो वाष्पोत्सर्जन भी होता है तो पत्ती से होता है वो, ठीक है। सो अब बात करते हैं अपन की जो फाइलोटैक्सी होती है, व्हाट इज फाइलोटैक्सी, ठीक है। सो फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांच, ठीक है, ब्रांचेस पे फाइलोटैक्सी का क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, स्टेम और मतलब जो पत्ती जो होती है, ठीक है, उसका स्टेम और ब्रांच में क्या अरेंजमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो किस तरह से लगी होती है वो, उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है, एक क्रम बोलते उसको, ठीक है। एंड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि इन दिस टाइप, ठीक है, ये जो टाइप है, ठीक है, सिंगल लीफ अराइजेस एट, एक सिंगल लीफ जो एराइज होती है इच नोट, ठीक है, हर नोट पे एक सिंगल लीफ जो एराइज होती है उसको अपन बोलते हैं अल्टरनेट टाइप, ठीक है। एंड द लीव्स अराइज लेटरली ऑन द स्टेम, ठीक है, और ब्रांच, एग्जांपल तो ऐसे जो सनफ्लावर होता है उसमें ऐसा होता है, अरेंज होती है, ठीक है, अल्टरनेट होती है एक के बाद एक, फर्स्ट डायग्राम दिख रहा होगा आपको इसमें ऐसे दिया हुआ है। एंड उसके जो मैंगो है, ठीक है, चाइना है, रोज है, मस्टर्ड एटसेट्रा, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल इसके, ठीक है। अब बात करते हैं जो अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है, अपोजिट फाइलोटैक्सी मतलब क्या, अपोजिट का जो मतलब अगर मैं बताऊं आपको,
सो इसमें अपन देखते हैं कि इन दिस टाइप पर टू लीव्स अराइज फ्रॉम इच नोड, ठीक है, हर नोड से दो लीव्स निकलती है इन अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इट फॉर टू टाइप्स, यानी कि जो आमने सामने जो पत्तियां होती है उसको अपन बोलते हैं अपोजिट, ठीक है, अपोजिट बोलते हैं उसको, एक ही नोड से निकलती है वो, एंड इसका टू टाइप से डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट इसका जो टाइप है वो डी क्यू सेट है, यानी कि व्हेन वन पेयर ऑफ लीफ इज प्लेस्ड एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल पे एक प्लेस होता है टू नेक्स्ट और लोअर पेयर ऑफ लीफ, ठीक है, इट इज सेड टू बी अपोजिट डिस्प्यूट डिकोसेट फाइलोटेक्सी, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि जो कैलोट्रोपिस जो होता है एंड ओसिमम जो होता है उसमें इस टाइप का होता है, ठीक है, सुपरपोज्ड, अब देखते हैं जो सेकंड होता है इसका कि सुपरपोज्ड, सो इन दिस टाइप ऑल द पेयर्स ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, ठीक है, आर अरेंज, जो एग्जाम्पल जाए कि जो नेरियम है, नेरियम एस्टोनिया एलिस्टोनियाडे, ठीक है, वन अबव द अबाउट अदर एग्जाम्पल इसने कि जो जामुन है, ठीक है, उसके बाद गुआवा है और एटसेट्रा है, सब इसकी एग्जाम्पल है, इसमें एक ही पॉइंट पे होता है, मतलब वो सुपर जो सुपर पॉज्ड जो होता है उसमें भी एक ही पॉइंट से निकल रहा है, एक ही पेयर से लीव्स निकल रही है, ठीक है, वर्लेट और वर्टिक्यूलेट जो होता है, ठीक है, फाइलोटेक्स जो होती है वो किस टाइप की होती है, सो इन दिस टाइप मोर देन टू लीव्स, ठीक है, अराइज फ्रॉम इच नोट्स, यानी कि दो लीव्स एक ही नोट से निकलेगी, एंड फ्रॉम अ वर्ल्ड अराउंड एंड जैसे गोल जैसा कुछ बनेगा, तो इस टाइप की जो लीव्स होती है वो एक ही लीव से निकलती है। अब बात करते हैं लीफ स्पाइंस जो होते हैं, लीफ स्पाइंस यानी कह सकते हैं कांटे, जो पत्ते होते हैं वो कांटे का रूप ले लेती है, ताकि क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ठीक है, वाटर का जो होता है उसका ज्यादा से ज्यादा मतलब यूज मतलब वाटर मतलब ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकल सके, ठीक है, सो इन सम ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइटिक मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो जहाँ पानी कम होती है वहाँ पे उगते हैं, ठीक है, लाइक जो इसमें एग्जाम्पल जाए कि ओपंटिया जो है, ठीक है, द एंटायर लीफ गेट्स मॉडिफाइड इनटू अ स्मॉल स्टिप एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कॉल्ड उसको स्पाइन बोलते हैं, यानी कि स्पाइन में इसलिए कन्वर्ट होती है ताकि उसका वाटर का जो ये होता है ना, मतलब वाटर ज्यादा नहीं निकल सके प्लांट से, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वाटर क्या होती है, कमी होती है, तो इन ऐसी जो पत्तियां होती है उनमें जो पत्तियां होती है वो कांटे का रूप ले लेती है, ठीक है, सो टू चेक मतलब कि जो ट्रांसपायरेशन जो होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर को मतलब बचाने के लिए वो कांटे का रूप ले लेती है जो, हाँ, समटाइम्स ओनली अ पार्ट ऑफ लीफ सच एज अ स्टिप्यूल्स, ठीक है, गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ठीक है, कुछ में ऐसा होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो स्टिपल्स जो होता है, ठीक है, स्टिपल्स अपने सबसे पहले देखा था, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो मॉडिफाइड हो जाता है स्पाइंस में, ठीक है, वो भी मॉडिफाइड हो जाता है स्पाइंस में, ठीक है, आप प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, यानी कि जो चढ़ने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है प्रोटेक्ट करता है, इसका एग्जाम्पल जाए कि जिजाइफस एंड एकेशिया, ठीक है, एकेशिया देखा हो आपने, बबूल का पौधा होता है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि जो स्टिपल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कांटे के रूप ले लेते हैं ताकि जो जानवर वगैरह होता है उसको खा ना सके, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जा सके। सेकेंड है अपने की लीफ टेंड्रिल्स, ठीक है, लीफ टेंड्रिल्स का होता है कि इन सर्टन प्लांट्स आर हैविंग अ वीक स्टेम, ठीक है, इंटायर लीफ और अ पार्ट ऑफ इट गेट्स मॉडिफाइड, ठीक है, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू अन इलोंगेटेड थिन सिलेंड्रिकल कॉइल्ड कॉइल्ड वायरी सेंसिटिव एंड अ सेंसिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, नोन एज अ टेंड्रिल, यानी एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है टेंड्रिल, तो उसमें मॉडिफाइड हो जाता है वो, जो कि एक इलोंगेटेड एंड लंबा होता है और थीम भी होता है, सिलेंड्रिकल जैसा होता है। दिस टेंडल्स हेल्प द प्लांट टू क्लिंब अप ऑन सम सपोर्ट, ठीक है, ये क्या करता है कि जनरली उस प्लांट को चढ़ने में यानी ऊपर चढ़ने में सपोर्ट करता है। इन पी यानी कि जो मटर का पौधा होता है, देखा हो आपने, जिसका बोलते लेथाइरस इंटायर लीफ इज टेंडिलर, ठीक है, उसकी पूरी लीफ जो होता है टेंडिलर होती है। एंड इन स्वीट पी यानी कि जो मीठे मटर जो होते हैं, ठीक है, पाइसम इन स्वीट पी यानी कि जो पाइसन सेटाइम होता है, सो इसमें क्या होता है कि जो टर्मिनल लिफलेट जो होती है, ठीक है, साइड वाली टर्मिनल जो लिफलेट होती है वो पूरी तरह से होती है टेंड्रिलर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लिफ हुक्स के बारे में, ठीक है, तो क्या होता है लिफ हुक्स, सो दे क्लिंग टू, ठीक है, क्लिंग टू बार्क ऑफ ट्री, यानी बार्क क्या करती है, सपोर्ट करती है ट्री को एंड हेल्प द प्लांट्स फॉर क्लिंबिंग, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया इसने कि बिगोनिया जो होता है उसमें क्या होता है कि क्लिंबिंग के लिए हेल्प करते हैं, जो हुक्स होते हैं ना डायग्राम में देख सकते हैं आप, एक क्लिंबिंग यानी ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं, ये जाना इलंगेटेड हुक क्लिंबर, ठीक है,
बोलते हैं उनको इन बिगोनिया, बिगोनिया में होता है जो अनग्यूस है, ठीक है, अनग्यूस कर्टी, यानी कि कैट्स नेल, कैट के जो नेल होते हैं, बिल्ली के जो नाखून होते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें। द टर्मिनल दिस लीफलेट्स गेट मॉडिफाइड इन टू, राइट, किसे मॉडिफाइड हो जाते हैं, थ्री स्टिप, ठीक है, तीन स्टिप में मॉडिफाई हो जाते हैं, जो कर्व होते हैं, कर्व्ड होते हैं, एंड पॉइंटेड हुक्स, ठीक है, विच लुक लाइक कैट नेल्स, ठीक है, बिल्ली के जो नाखून होते हैं उस टाइप का इनमें होता है। सेकंड डायग्राम देखिए आप, इस टाइप से बिल्ली के नाखून ऐसे होते हैं, सो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और उनमें मतलब ऊपर चढ़ने में मदद करता है इनकी क्लिप हुक्स, ठीक है। अब बात करते हैं जो फाइलोड होता है, फाइलोड क्या होता है कि इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में जो पेटियोल होता है, पेटियोल के साथ अपने क्या होता है, बिकम फ्लैट ग्रीन एंड लीफ लाइक एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, दिस इज नोन एज कॉल्ड द फाइलोड, मतलब कि पेटियोल का मॉडिफिकेशन है फाइलोड। उसके इसमें देखिए फॉर एग्जांपल दिया है कि जो एकेशिया होता है, एकेशिया होता है एंड ओरिक्यूली फॉर्मिस जो है, ठीक है, द नॉर्मल लीफ हिज कंपाउंड एंड फॉल्स ऑफ सून, ठीक है, इसकी नॉर्मल मतलब कंपाउंड होती है और कुछ टाइम के लिए नीचे गिर जाती है, फॉल ऑफ सून, ठीक है, कुछ टाइम बाद नीचे गिर जाती है, सो इस टाइप में ऐसा होता है। और द पेटियोल गेट्स मॉडिफाइड इन टू फाइलोइड, ठीक है, जो पेटियोल होता है, पेटियोल का जो पर्ण व्रंथ होता है, ठीक है, पत्ते का जो डंठल होता है अपन पर्ण व्रंथ बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं, और वो फाइलोइड में क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है। सो दिस इज जेरोफाइटिक एडॉप्टेशंस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, मतलब कि जेरोफाइटिक मतलब होता है कि जहां पानी कम होती है वहां होते हैं पौधे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एंड सॉरी फॉर दैट कि लेक्चर डिलीवर होने में टाइम लग गया।